नमस्कार, मैं असमा खान, प्रवक्ता सूरज प्रसाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज झांसी से आपका बच्चों इतिहास की कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना कक्षा 12 के 11वें अध्याय को। 11वां अध्याय बच्चों हमारा है विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। आज बच्चों पढ़ेंगे हम इसके प्रथम भाग को। तो बच्चों, पिछले अध्याय में हमने उपनिवेशवाद देहात के बारे में पढ़ा था, जिसमें बच्चों हमने बंगाल और वहां के जमींदारों के बारे में भी पढ़ा था। वर्धमान में की गई नीलामी के बारे में भी हमने समझा था। राजस्व की समस्याओं को एवं जोतेदारों के उदय के साथ साथ जमींदारों से हुए प्रतिरोध एवं जनजातियों के विद्रोह और देहात में हुए विद्रोह के बारे में भी हमने विस्तृत रूप में पढ़ लिया है। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपने इस प्रथम भाग के उद्देश्य को। अध्याय के इस भाग की समाप्ति के पश्चात आप सभी छात्र छात्राएं निम्नलिखित बातों को समझने में सक्षम होंगे। विद्रोह का ढर्रा किस प्रकार का था, इसमें हमें निम्नलिखित बातें जानेंगे। ये कौन सी बातें हैं? सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ, संचार के माध्यम क्या थे, नेता और अनुयायी किस प्रकार के थे, अफवाहें और भविष्यवाणियों के बारे में भी हम जानेंगे। लोग अफवाह में विश्वास क्यों कर रहे थे, इन्हीं सभी बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। अवध में हुए विद्रोह के बारे में भी हम पढ़ेंगे बच्चों। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपनी पहली स्लाइड, विद्रोह का ढर्रा। आखिर ये विद्रोह का ढर्रा था क्या? ये एक आंदोलन संगठित सत्ता तंत्र या व्यवस्था द्वारा शोषण और अन्याय किए जाने के बाद से उसके खिलाफ पैदा हुए संगठित और सुनियोजित अथवा स्फूर्त सामूहिक संघर्ष था, जिसका उद्देश्य सत्ता या व्यवस्था में सुधार या परिवर्तन लाना था बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों, सैन्य विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई इसे हम देखते हैं। सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्यवाही शुरू की। बच्चों, कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को भी लूटा, और इसी के बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ, दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलो, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और इसी के साथ साथ सारे रिकॉर्ड जलाते चले गए। गोरों से संबंधित हर चीज और हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जाने होने लगी। विद्रोह में आम लोगों को भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैलाया गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे, और ज्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए। सिपाहियों की कतारों में हुए एक छिटपुट विद्रोह ने जल्दी ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। इसी के आगे बच्चों पढ़ते हुए हम देखें संचार के माध्यम क्या थे। ये तो हुई शुरुआत विद्रोह की, अब संचार। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में
समानता की वजह आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई शक नहीं है कि विभिन्न छावनियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। और जब सातवीं अवध इररेगुलर कैवलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए ये फैसला लिया है और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। सिपाही या संदेश वाहक विद्रोह के दौरान एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। विद्रोहों की बनावट के साक्ष्यों को देखकर लगता है कि विद्रोहों में योजनाओं का समन्वय था। तो बच्चों, इनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। ये योजनाएं कैसी बनाई गईं? आखिर योजनाकार कौन थे? मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब मिलने लगे। तो बच्चों, इसी क्रम में बढ़ते हुए अब हम देखते हैं अपनी अगली हेडिंग, नेता और अनुयायी। अब अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। विद्रोह के दौरान मेरठ के सिपाही दिल्ली गए और मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की सिफारिश की। अब बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास वाकई कोई चारा नहीं बचा था। कानपुर के सिपाहियों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहेब के समक्ष विद्रोह की कमान संभालने की सिफारिश की। बच्चों, ये है वो फोटो नाना साहेब की जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। झांसी से विद्रोह की कमान रानी लक्ष्मीबाई ने अपने हाथों में ली। और ये देखिए बच्चों, ये है फोटो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह की कमान संभाली। अवध में नवाब वाजिद अली शाह के युवा बेटे बिरजी सकद्र को लोगों ने अपना नेता चुना। सभी जगहों पर नेता दरबारों से जुड़े व्यक्ति रानियां, राजा, नवाब, तालुकदार नहीं थे। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए और कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। अन्य स्थानीय स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के गांव वालों को संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोलू ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। इसी के आगे बच्चों, अब हम देखते हैं अफवाहें और भविष्यवाणियां क्या थी। अब बच्चों, तरह तरह के अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था जिन पर गाय और स्वर की चर्बी का लेप लगा था। अब उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के
इन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। अब कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, दमदम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। ब्राह्मण सिपाही ने ये कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा, और रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने जवाब दिया कि वैसे भी जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा, और इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं बच्चों कि जब एक बार ये अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज अफसरों के तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका, और इसने सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी, बल्कि एक अफवाह यह भी थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रची है। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भरसक यानी कि बहुत प्रयास किया, लेकिन वे नाकामयाब रहे। अब इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झिझोड़ा। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरा होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, इसके आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं अपनी अगली हेडिंग, लोगों का अफवाहों में विश्वास। अब बच्चों, इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि वाकई में ये सच थी या नहीं। हमें देखना ये चाहिए कि जो उन पर यकीन कर रहे थे उनकी मानसिकता के बारे में हमें इनसे क्या पता चलता है। लोगों का अफवाह में विश्वास उनकी प्रतिबद्धताओं के बारे में बताती हैं। इन अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में समझा जा सकता है। ये वो नीतियां हैं जो 1820 के दशक में अपनाई जा रही थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियां, अब नीतियां जैसे कि पश्चिमी शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों को बढ़ावा देना, भारतीय समाज को सुधारने हेतु सती प्रथा को खत्म करने और हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजों ने शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर अवध, झांसी और सतारा जैसी देसी रियासतों को अपने कब्जे में कर लिया। ये दत्तकता बच्चों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। इसी के आगे सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों या भू स्वामित्व लगान अदायगी की प्रणाली पर दमनकारी नीतियां लाई गई। अब बच्चों, उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्रवाइयों का गहरा असर हुआ, और इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों के साथ साथ ये भी बल मिल रहा था, ऐसे अनिश्चित काल में
अफवाहें रातों रात फैलने लगी। इसी के आगे बच्चों अवध में विद्रोह। अब बच्चों जब हम बात कर रहे हैं अवध की, तो 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल यानी चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। 1801 से अवध में सहायक संधि थोपी गई। सहायक संधि जिसे अंग्रेजी में सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। इस संधि की निम्नलिखित शर्तें थी। अब शर्तें क्या थी ये जाने बच्चों? नवाब अपनी सेना को खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेजी टुकड़ियों की तैनाती की इजाजत दे, दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेसिडेंट की सलाह पर काम करें, और इस संधि से नवाब रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। अब बच्चों अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें यह लगता था कि वहां की जमीन नील और कपास की खेती के लिए लाभदायक है और इस इलाके को उत्तरी भारत एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को ये कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि वह अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे थे। ब्रिटिश सरकार के ये निराधार निष्कर्ष भी निकाला गया कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे, मगर सच ये है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। अब अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गति नहीं छिनी थी, इसने इलाके के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया था। अवध के समूचे देहात में तालुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। आगे बच्चों देखें, हम अवध के अधिग्रहण से इलाके के तालुकदार भी लाचार हो गए थे। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे। अब ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे, और अगर वे नवाब की संप्रभुता की स्वीकार कर ले और अपने तालुकदार का राजस्व चुकाते रहे तो उनके पास काफी स्वायत्तता भी होती थी। कुछ बड़े तालुकदारों के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की हैसियत अथवा सत्ता को और चोट पहुंचाई। 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। अब ये बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। एक मुश्त बंदोबस्त में तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाने लगा, और आंकड़ों से यह पता चलता है कि अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध के 67% यानी कि 67% गांव थे। एक मुश्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद ये संख्या घटकर 38% रह गई, और दक्षिण अवध के तालुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी। कुछ के तो आधे से ज्यादा गांव हाथ से ही जाते रहे। ये था इन तालुकदारों के बारे में बच्चों, जो आपने देख लिया और समझ लिया। अब हम संक्षेप में बच्चों देख लें कि
कि आज के इस पहले भाग को हमने पढ़ा है उससे हमने क्या समझा है। अध्याय के इस भाग में हमने विद्रोह के ढर्रे को समझा है बच्चों, कि विद्रोह कैसा था, उसका क्या ढर्रा था, विद्रोह से क्या हुआ, सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ ये जानने का प्रयास किया, कारतूस किस तरीके से वो एक आग की तरह फैल गई थी, अफवाह, संचार के माध्यमों को समझा हमने, नेता एवं अनुयायी को समझा, अफवाहों और भविष्यवाणियों के बारे में भी हमने पढ़ा, लोगों का अफवाह में विश्वास को समझा कि किस कदर तक, किस हद तक वो अफवाहों में विश्वास करते थे, कि अंग्रेजों ने लाख समझाया पर फिर भी वे उस पर ही निरंतर मानते गए अफवाहों को। अवध में हुए विद्रोह के बारे में भी हमने पढ़ा और जाना। अब बच्चों हमें अपने इस भाग के मूल्यांकन को भी समझना है, तो उसके लिए बच्चों हमें ये जानना है कि किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न है, प्रश्न कैसे आते हैं और उसके उत्तर किस दिशा में हमें लिखना है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, तो एक सही और सटीक डायरेक्शन हमें जानना चाहिए। उसके लिए एक प्रश्न मैं लेके आई हूं बच्चों। बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों ने नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से क्यों आग्रह किया, तो इसका उत्तर किस प्रकार है समझिए एक बार बच्चों। 1857 की महान क्रांति जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सैनिक विद्रोह, हिंदू मुस्लिम संगठित षड्यंत्र आदि इन नामों से भी जाना जाता है, का बिगुल सैनिकों ने बजाया और चर्बी वाले कारतूसों का मामला विद्रोह का तात्कालिक कारण बना, किंतु शीघ्र ही ये विद्रोह जन विद्रोह बन गया। लाखों कारीगरों, किसानों और सिपाहियों ने कंधे से कंधा मिलाकर एक वर्ष से भी अधिक समय तक ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। विद्रोहियों का प्रमुख उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना। वास्तव में विद्रोही सिपाही भारत से ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करके देश में 18वीं शताब्दी की पूर्व ब्रिटिश व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। ब्रिटिश शासकों ने भारतीय राजघरानों का अपमान किया। साधनों के उचित अथवा अनुचित की कोई परवाह न करते हुए कहीं छल, कहीं बल, तो कहीं बिना किसी और के ही अधिकाधिक भारतीय राज्यों एवं रियासतों का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया था। परिणाम स्वरूप उनमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध घोर असंतोष व्याप्त था। इसलिए विद्रोही सिपाहियों ने अनेक स्थानों पर पुराने शासकों को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए आग्रह किया। मेरठ में विद्रोह करने के बाद से सिपाहियों ने तत्काल दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। दिल्ली मुगल साम्राज्य की राजधानी थी और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली में निवास करता था। दिल्ली पहुंचते ही सिपाहियों ने वृद्ध मुगल सम्राट से विद्रोह का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया, जिसे सम्राट ने कुछ हिचकिचाहट के बाद स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार कानपुर में बाजीराव द्वितीय ने उनके उत्तराधिकारी नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने और अवध में वाजिद अली शाह के युवा पुत्र बिरजिस खद्र को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। ऐसे शासकों का नेतृत्व उनके विद्रोह को शक्तिशाली और जनप्रिय बना सकता था। तो बच्चों ये था उस एग्जाम का पैटर्न कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपका आंसर किस तरीके से होगा,
ये बच्चों आप अच्छे से समझ ही गए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बच्चों हम इस भाग के निष्कर्ष को भी जान लेते हैं कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो बच्चों अध्याय के इस भाग से ये निष्कर्ष निकलता है कि 1857 की क्रांति का विद्रोह हालांकि एक क्षेत्रीय विद्रोह था, लेकिन इसने अखिल भारतीय विद्रोह की संकल्पना को जन्म दिया, जिसे लोगों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुटता की भावना पैदा हुई और विभिन्न देशी रियासतों ने मिलकर उनका सामना किया। साथ ही विद्रोह में विभिन्न संसाधनों का इस्तेमाल कर इसे उस पराकाष्ठा पर पहुंचाया जिसने भविष्य में अन्य छोटे छोटे विद्रोह को जन्म दिया और जिसकी पराकाष्ठा ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को बिल्कुल कमजोर और खोखला कर दिया। इसीलिए इसे वीडी सावरकर ने कहा है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये विद्रोह था। अब बच्चों इसी के साथ साथ हमें कुछ होमवर्क भी करना है जिससे हम अपने अच्छे से इस चैप्टर को समझ सके और याद भी कर सके। तो इसका सबसे पहला होमवर्क आपको मैं यही कहूंगी कि जो भी मैंने पढ़ाया है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको लिखना है, उसके बुलेट पॉइंट्स को याद करना है, साथ ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखने हैं। पहले क्वेश्चन का तो आंसर मैंने आपको बच्चों बताया था, बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों ने नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से क्यों आग्रह किया। इसी के साथ साथ अब कुछ और प्रश्नों के आंसर आपको लिखने हैं जिसको मैं समझा चुकी हूं और आप अच्छे से उसे लिखेंगे। नोट करिए बच्चों, उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। अगला प्रश्न वो भी नोट करिए बच्चों, 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी। वो जो अफवाहें मैंने आपको बताई थी ये उससे आपको निकालना है। साथ ही अगला प्रश्न नोट करें बच्चों, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए, ये भी बच्चों आपको जानना है। इसी के साथ साथ इसके आगे आने वाले भाग को बच्चों थोड़ा सा आप पढ़ के आइएगा, समझ लीजिएगा और कि विद्रोही क्या चाहते थे। हम ये भी पढ़ेंगे उसमें कि उनमें एकता की कल्पना किस प्रकार थी, ये जानेंगे है। साथ ही बच्चों हम ये भी पढ़ेंगे कि उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ के बारे में क्या था, साथ ही वैकल्पिक सत्ता और दमन एवं विद्रोह की छवियों के बारे में भी बच्चों हम पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा आप एक रिवीजन करके आइएगा। इसी के साथ साथ बच्चों आज के इस भाग को हम यही समाप्त करते हैं। घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए और निरंतर आगे बढ़िए। थैंक यू।